आप सभी का हमारे चैनल गवर्नमेंट जॉब्स में स्वागत है। जॉब से एडमिट कार्ड, रिजल्ट, स्कॉलरशिप से जुड़ी सभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज इस वीडियो में हम आपको गाइड करने जा रहे हैं MPPGCL रिक्रूटमेंट के बारे में। जो सभी कैंडिडेट्स मध्य प्रदेश स्टेट से बिलोंग करते हैं और जूनियर इंजीनियर और अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट के लिए एलिजिबल है और इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, वो सभी कैंडिडेट्स MPPGCL रिक्रूटमेंट की डिफरेंट वैकेंसी सीट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लास्ट डेट 28 फरवरी 2019 से पहले। सभी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स इस रिक्रूटमेंट में किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं और इससे रिलेटेड पूरी जानकारी को जानने के लिए हमारे इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। इसकी पूरी जानकारी जानने के लिए चलते हैं हमारी वेबसाइट gayatrijobs.com पे। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड ने यह रिक्रूटमेंट रिलीज करी है। इसमें टोटल 84 वैकेंट सीट्स हैं जूनियर इंजीनियर और अकाउंट ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए। जो सभी कैंडिडेट्स इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कंप्लीट करते हैं, वो सभी कैंडिडेट्स हमारी इस वेबसाइट के जरिए 29 जनवरी 2019 से 28 फरवरी 2019 तक इसके एप्लीकेशन फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अप्लाइड कैंडिडेट्स का सिलेक्शन प्रोसेस रिटर्न एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के बेस पर करवाया जाएगा। इसमें वैकेंसी डिटेल्स हैं, अकाउंट ऑफिसर बैकलॉग में 9 सीट, JE प्लांट में 55, अकाउंट ऑफिसर में 2, JE मैकेनिकल में 11, JE इलेक्ट्रिकल में 4, JE इलेक्ट्रॉनिक्स में 3 पोस्ट। और जो सभी कैंडिडेट्स इनके एक इम्प्रेसिव रिज्यूम लिखना चाहते हैं, उन सभी कैंडिडेट्स के लिए हमने अपनी वेबसाइट में एक डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड करवाई है। सभी कैंडिडेट्स इस डायरेक्ट लिंक के जरिए एक इम्प्रेसिव रिज्यूम लिखने के कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स को भी चेक कर सकते हैं, जिससे वो एक बहुत अच्छा रिज्यूम बना सकते हैं। आइए चलते हैं इस जॉब में अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। जो सभी कैंडिडेट्स अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं, उन सभी कैंडिडेट्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम ICAI और CMA और ICWA फ्रॉम ICAI, MBA फाइनेंस और PGDBM फाइनेंस फुल टाइम रेगुलर कोर्स फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय UGC। JEE की पोस्ट में अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जो सभी कैंडिडेट JEE की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उन सभी कैंडिडेट्स के पास फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। इस रिक्रूटमेंट में अप्लाई करने के लिए कैटेगरी वाइज एप्लीकेशन फ़ीस है। जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए इसकी एप्लीकेशन फ़ीस 1000 रुपीज़ है। SC, ST और PD कैंडिडेट्स के लिए इसकी एप्लीकेशन फ़ीस 800 रुपीज़ है। जो सभी कैंडिडेट्स इन पोस्ट में सेलेक्ट हो जाएंगे, उन सभी कैंडिडेट्स का अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट के लिए पर मंथ का सैलरी स्केल ₹56,100 से ₹1,77,500 रहेगा और JEE के पोस्ट के लिए कैंडिडेट्स का पर मंथ का सैलरी स्केल ₹32,800 से ₹1,03,600 तक रहेगा। MPPGCL रिक्रूटमेंट में अप्लाई करने के लिए और इससे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन को चेक करने के लिए सभी कैंडिडेट्स इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके चेक कर सकते हैं। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.mppgcl.mp.government.in। इनकी इस ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करने के बाद वहाँ दिए हुए करियर ऑप्शंस में जाकर डिटेल्ड रूल बुक फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑफिसर एंड जूनियर इंजीनियर प्लांट सेक्शन पर क्लिक करके सभी कैंडिडेट इस रिक्रूटमेंट की पूरी जानकारी को केयरफुली रीड करके इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और हमने अपनी वेबसाइट के लास्ट में भी आपको कुछ डायरेक्ट लिंक्स प्रोवाइड करवाई हैं। सभी कैंडिडेट्स इन डायरेक्ट लिंक के जरिए भी इसकी पूरी जानकारी को चेक कर सकते हैं। इसके नीचे दिए हुए अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर जाकर सभी कैंडिडेट्स 28 जनवरी 2019 से इसके एप्लीकेशन फॉर्म में अप्लाई भी कर सकते हैं। और सभी कैंडिडेट्स इससे रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन को चेक करने के लिए हमारी वेबसाइट पर लगातार विजिट करते रहिए। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।